आशीष नोटियाल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबकी प्रैक्टिस चल रही होगी हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि तबले के कई सारे लेसन में अपलोड कर चुका हूँ, इससे पिछले लेसन में अपलोड किया था मैंने गज़ल कहरवा जो कि मेन ठेका है। उस ठेके के कुछ और भी प्रकार हैं जो कि आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। और पिछले वाले की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली हो तो आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी पहला ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले अभी आपने वीडियो नहीं देखे हैं पहले, तो आपको पहले लेसन वन से देखना स्टार्ट करना चाहिए। लेसन वन, टू, थ्री, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से तबले की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही मैं ढोलक की भी लेसन अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं लगभग 24 के आसपास लेसन अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आप ढोलक सीखना चाहते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्सर समस्या क्या होती है, यूट्यूब से बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं, उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं ये जो बजा रहा हूँ ये सही है भी या नहीं है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम आमने सामने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से क्लास करते हैं। उसकी जो भी फीस होती है वो मैं आपको या तो व्हाट्सएप पे या आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, नंबर साइड में दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से ही अच्छा सीख सकता हूँ और यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पूरी जितनी मतलब अपना 100-200% देने की कोशिश करता हूँ कि मैं यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा डीप तरीके से आपको समझाऊँ और आप यहाँ से ज़्यादा लाभ उठा सकें। लेकिन फिर भी अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और हम अच्छे से समझें, यूट्यूब में कोई चीज़ हमारी कोई ख़राब ना हो जाए, कोई हाथ ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी फीस है वो बता दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आपको ऑल पर सेलेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न में कुछ 2-3 पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। अभी श्लोक एरो में जैसे कि गज़लों में या कुछ भजनों में, कई सारे आप गानों में भी सुनते होंगे, ठीक है, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से गानों में ये बजे हुए हैं। उससे पहले शायद ये अगर मैं बता भी दूं आपको तो एकदम से आप क्या करेंगे, वो गाने के साथ प्ले करना शुरू कर देंगे, आप इस ठेकों की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, गानों के साथ नहीं बल्कि आपको सिंगल ठेकों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनको लिखें, जैसे स्क्रीन पर बोल आते हैं इनको लिखें, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, देखें बार बार मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिता 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 जिता, ये वाला ठेका बताया था, इसी में ही एक चीज थोड़ा सा और ऐड करके हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वो है जिता जिता, ठीक है, धी धाता धी ता ती ता धी ता, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पिछले ठेके की तरह केवल इसमें हमने ता ऐड किया शुरू में, धी धाता धी ता, ये तो सिंपल है, धा जो हम बजा रहे हैं उसी के साथ ता, तो धा हमने जंप किया और जैसे इसको कलाई को यहाँ से हमने नीचे रखा वैसे हमने यहाँ से ता बजा दिया, तो धी धाता, ठीक है, धी धाता धी ता, उसके बाद ती ता धी ता, ठीक है, धी धाता धी ता ती ता धी ता, बाकी का ठेका सेम है जैसे पिछला वाला था। अभी मैं आपको 2-3 ठेके और बताने वाला हूँ, ये ठेका बता रहा हूँ, इसके बाद पहले मैं आपको एक उठान बता देता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है, जो उठान का इसको आप बीच बीच में ही प्रयोग कर सकते हैं और मतलब उठान के तौर पे भी, ठीक है। पहले ये वाला ठेका एक बार फिर से बता देता हूँ, धी धा ता, ठीक है, धा हमने ऐसे उठा के बजाया बेस से, धा ता, ये जो मैं ये ता ना बजा रहा हूँ ये किनार पर बजा रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही हो तो आपको दिख ना रहा हो, जब साइड में बोल ता और ना आपको पता होना चाहिए साइड में बजा है, ठीक है, तो ये साइड में मैं बजा रहा हूँ, तो मैदान के ऊपर कोई बोल बजाऊंगा तो उसका साउंड अपने आप चेंज हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें साउंड को समझने की, इसको देख के बजाने के बजाय साउंड को समझने की कोशिश करें,
आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा उससे साउंड को समझने के, जहाँ आपको पता लगने लग गया कि धी के धी का साउंड निकल रहा है, धागा निकल रहा है, धिन का निकल रहा है, धिन का निकल रहा है, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, धी धा का धी का, उसके बाद ती ता, जैसे कि हमेशा लगता है छठे बोल के साथ, आ के साथ थोड़ा गा ता, लास्ट में फिर धी ता। ठीक है, धी धाता धी ता ती ता धी ता, फिनिश। धी ता 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 ता। ये हो गया। इससे जो नेक्स्ट वाला है थोड़ा सा उठान बता देता हूँ आपको। इस टेकी को बजाने से पहले आप उठान बजा सकते हैं। इस उठान के बोल है ताकेट, दो बार बजाना है ताकेट ताकेट ता ता। ठीक है, ता के साथ का नहीं लगाना, अलग अलग बजाना है ता ती ता ती ता ता। ठीक है, ताकेट ताकेट ता ता, उसके बाद आएगा किट ताकेट ताकेट, सिंपल है, उल्टा हो गया ट ता। ठीक है, फिर क्या करना है की यहाँ से लेना है की, केवल इतना ही बोल, थोड़ा सा अलग है किट और फिर ताकेट ताकेट, बहुत आसान है, केवल समझने की कोशिश करें। लास्ट टाइम फिर से ताकेट ताकेट ता ता, फिर किट ताकेट ताकेट, बस ताकेट 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 ताकेट। ऐसे ही गजलों के साथ फिर बजाया जाएगा। इससे नेक्स्ट एक और बता देता हूँ, जैसे कि ये ठेके कई गानों में यूज हुए हैं, गजलों में ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि बता रहा हूँ चांद सिफारिश जो करता हमारे, उसमें जो ठेका बजाया गया है वो भी इसी ठेके इन्हीं ठेकों में से है, जैसे कि बजाया गया है ना वो ठेका, तो अब ये मैंने इसलिए आपको बताया जिससे कि आपको थोड़ा इस ठेको का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी कोशिश करें अपने आप से जितनी आप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, ठेकों की प्रैक्टिस करेंगे, गाने सुनेंगे और उनको सुनेंगे कि हाँ उनमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बजी हुई है, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ, त्रिकट तक तक तो सिंपल है। ठीक है, थोड़ा जब क्योंकि गाने में लगा हुआ है तो थोड़ा बता देता हूँ आपको, बाकी तो मेन हमारा पैटर्न है गजली ठेके सीखने का। ठीक है, त्रिकट तक तक त्रिकट तक ता, ये बोल है जो कि मैंने शुरू में आपको बता देता, उसके बाद धीरे धीरे दिता दिता दिता। ठीक है, तेरा किट तक तक, ठीक है, तेरा किट तक, एक तक अंदर आ रहा है एक तक बाहर, तक फिर तेरा किट तक ता, लास्ट में ता बजा सकते हैं, है ना, ये तेरा किट तक तक तेरा किट तक ता, ती रा ती क ती र, इस तरीके ती र ती क अ क अ क ती र ती क अ क ता, रुक जाना है, फिर उसके बाद ठेका शुरू कर देना। ठेका क्या है, धी धा धी है धी एस धा ते ता, धी एस धा ते ता, एस जो है वहां पे थोड़ा रुका हुआ है, धी एस धा मतलब थोड़ा सा हल्का सा रुक के आएगा, धी धा के बाद तुरंत ती आ जाएगा, धी धती ता, आगे का सेम है, धी धति ता चित्ता चित्ता, धी धति ता चित्ता चित्ता, धी धति ता चित्ता चित्ता, आगे का सेम है, आगे कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल कहाँ पर है, यहीं पे, धी धति ता चित्ता चित्ता, धी
केवल शुरू वाला बोल अगर आप समझ गए, लास्ट का सेम है, तीनों चारों पैटर्न में शुरू वाले में भी लास्ट का सेम है, लगभग शुरू में ही थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। धी धा ऐसे, धी ऐसे धा तित जो है ऐसे, धी ऐसे धा तित ता तित ता, ता के साथ का भी लग रहा है, फिर धी ता धी धा तित ता तित ता तित ता धी धा तित ता तित ता तित ये हो गया पैटर्न। अभी एक और है जैसे कि ये भी आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, कई सारे गानों में भी बजाया जाता है, तो एक साथ आ गया ठीक है, बिल्कुल सेम है। अभी देखिए आपकी बोल वही हैं, उन्हीं बोलों में से हमने कितने पैटर्न बना लिए, यही होता है, ऐसा ही होता है। तभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होती है कि हम जो पैटर्न सुन रहे हैं, हम जो बजा रहे हैं, वो फिट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तरीके से सीखा ही नहीं है ना, कोई सीखना चाहता है। हमेशा मेरा एक ही सवाल रहता है, जो सही से सीखना चाहता है, जिसका इंटरेस्ट सीखने में है, वो केवल ये 15-20 या फिर 10-15-20 मिनट की वीडियो से उसको कोई मतलब, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल तसल्ली से देखता है और सीखता भी है। और जिनको ऐसा रहता है जल्दी 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 वाले, वो मुझे लगता है कि सालों से जल्दी कर रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उनके लिए एक्चुअली में ये वीडियो है भी नहीं, है ना। तो केवल आप जो सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मतलब आधे में छूट के जा रहा है, कौन मतलब क्या कर रहा है, मैं केवल उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा खास मकसद उनके लिए है, जो सीखते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे वीडियोस भी भेजते हैं अपने कि हमने ये पैटर्न सीखा है, तो उन लोगों के लिए मैं इतने डेडिकेशन से काम करता हूँ कि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और आप लोग सीख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट वाला पैटर्न देखते हैं, ये वाला आगे का सेम है, ती ता धी ता धीता एस धा धी ता एस धा। एस का मतलब वहाँ पर पॉज होता है, थोड़ा सा रुका हुआ होता है, वो आपको हमेशा पता है, ठीक है। धीता ती ता ती ता धी ता धीता ती ता ती ता धी ता धीता धाती। अच्छा, धी सिंपल बजा हमने, धी धा एस धा, धा को सिलेक्ट किया धा, फिर उसके बाद ती, फिर ता, लास्ट में जो धी आएगा सिंपल धी ता धी ता धा ती ता ती ता धी ता धी ता धा ती ता ती ता धी ता धी ता एस धा ता धी। इस तरीके से आप बजा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड ये नहीं था। लास्ट में क्योंकि ये वाले पैटर्न लगभग पूरे हो चुके हैं, नेक्स्ट में हम धुमाली के कुछ प्रकार सीखेंगे। धुमाली एक ताल है कहरवा का ही, जो ज़्यादातर गजलों में बजाया जाता है, उसके कई सारे पैटर्न हैं अलग अलग तरीके के, तो लगभग ये हमने पूरे कर लिए। लास्ट में एक तिहाई टाइप की आपको बता देता हूँ कि शुरुआत करने के लिए मैंने आपको बताया एक छोटा सा उठान, अब ख़त्म करने के लिए जैसे आप ये सारे ठीके बजा रहे कि बोले ता ती ते ता ती ते ता 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 ती ते ता ती ते ता ता ती ते धा ती ते धा ती ते धा, ठीक है, ता ती ते ता ती ते ता ता। अभी यहां पर हो क्या रहा है, ता के साथ का लगाया, उल्टा वाला ती ते ती ते, ठीक है, ता ती ते ता ती ते। अब यहाँ पर ता ता, यहाँ पर दो ता एक साथ बजे हैं, लेकिन जो पहले वाला ता है उसके साथ का लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा समझने वाली है, ता ती ट ता ती ट ता ता, उसके बाद ती ट धा ती ट धा ती ट, लास्ट में धा, ये लास्ट वाला धा में सा सम होता है, ठीक है। ता ती ट ता ती ट ता ता ती ट ता ती ट ता ती ट ता ता ती ट धा ती ट धा ती ट धा, नौवीं मात्रा हमेशा सम होता है, वो आप लोगों को पता है। दोबारा देखते हैं, ता ती ट ता ती ट
इसको आप उठान के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और एंड करने के लिए भी, तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सबसे पहले कि आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए चैनल को। अगर आप नए हैं तो लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे मैं इसी तरीके से जिससे काम करता रहूं, या आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरे को क्योंकि टाइम कम मिलता है, फिर भी जितना भी टाइम मिलता है मैं आपको जरूर रिप्लाई किया करूँगा या करता रहता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट में एक और ज़रूरी बात, अगर आप ढोलक हारमोनियम कुछ भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आप मतलब मंगवा सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की ढोलक है वो मैं कोशिश करूँगा आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड करूँगा हारमोनियम या ढोलक, तो आप मंगवा सकते हैं। उसका थोड़ा बहुत मतलब पहले आप देख लें, जैसे भी आपका अपने बजट के अनुसार आप मंगवा सकते हैं, जो कि आपके डायरेक्ट घर पर भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।